हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैचिंग टाइम प्रॉब्लम है फिर से सॉल्व करते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अपने आप में खूबसूरत, बढ़िया, लाजवाब, शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और कहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, मेटलर्जी वाले चैप्टर से बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इधर जो हमारा दिया गया, यहाँ पे कुछ नेम दिया गया है और यहाँ पे कुछ रिएक्शंस दिया गया है, तो इनको मैच करेंगे कैसे, जरा समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मंड्स प्रोसेस दिया है, तो सबसे पहले जो मंड्स प्रोसेस होता है, इससे क्या करते हैं, टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल जो होता है ये बनाते हैं बेटा, NiCO4 ये बनाते हैं। तो मंड्स प्रोसेस में ये आता है। और जो वान अर्कल डी बोर प्रोसेस होता है, इसमें जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड वाले कंपाउंड का यूज करते हैं। किसका, जिरकोनियम टेट्रा क्लोराइड आयोडाइड वाले कंपाउंड का यूज करते हैं। थर्माइट प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम लोग बेसिकली क्या लेते हैं, Cr2O3 लेते हैं, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, और इसका यूज जो होता है रेल के पटरी को जोड़ने में किया जाता है। जो थर्माइट प्रोसेस होता है, रेल के पटरी को जोड़ने के लिए प्रोसेस यूज किया जाता है। कोरल प्रोसेस जो होता है, बेसिकली ये हमारा जो होता है बेटा, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और मैग्नीशियम का रिएक्शन करा देते हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे किस तरीके से मैच कराने वाले हैं हम लोग। तो ये जो हमारा है मंड्स प्रोसेस कहाँ पे जाएगा, तो ये हमारा जो जाएगा आर में जाएगा। तो ए का कोड कहाँ पे मैच करेगा, आर में मैच करेगा। आगे चलते हैं, वन वाला मैच कहाँ करेगा, वन वाला मैच हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो B का हमारा जो हो जाएगा बेटा S हो जाएगा, क्लियर है। थर्माइट प्रोसेस हमारा कहाँ पे मैच करेगा, P में, तो C का मैच क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और जो कोरल प्रोसेस होता है, इसका मैच कहाँ पे जाएगा, Q में, तो D का मैच कहाँ पे हो जाएगा, Q में हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कोड बन करके रेडी होगा। और ये जबरदस्त क्वेश्चन था, कुछ चीजें याद भी किया जाता है, और इनऑर्गेनिक फैक्ट बेस्ड है तो इसको याद करना जरूरी होता है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।